तो देखते हैं आपको सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। तो आज की क्लास के अंदर हम एक दफा फिर एक पोस्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना है फाइल पे क्लिक और न्यू पे क्लिक, और यहां से आपने लेना है एज यूजुअल 1200 ले लीजिएगा पेज का साइज और विद और हाइट, ठीक है। रेजोल्यूशन रखनी है आपने 72 RGB कलर विद वाइट बैकग्राउंड, और आपने करना है क्रिएट, ठीक है जी। नाउ फाइल पे आप आएंगे, फाइल पे आने के बाद करेंगे आप ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे ये और आप कर देंगे इसको क्लिक करके ओपन। अब करना है क्या, करना कराना आपने कुछ भी नहीं है, सिंपल इसको आप कंट्रोल आल्ट आई दबाएंगे। इसका साइज अगर ज़्यादा हो तो आप इसको कम कर दीजिएगा, मैंने इसको 2500 कर दिया और उसको कर दिया ओके। इसको उठा के मूव कराया यहाँ पे और उसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, देन फिर कंट्रोल टी करेंगे और इसका साइज थोड़ा और छोटा करेंगे, हंसबे जाएगा। लाइक मैंने इसका साइज इतना कर दिया, ठीक है जी। अब इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके ग्लेयर लेंगे, यहाँ से कलर पिकर टूल लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर सेलेक्ट करके ऑल्टर बैक स्पेस से इसके बैकग्राउंड में कलर दे देंगे। फिर इस लेयर पे क्लिक करेंगे और इसको देंगे मास्क। मास्क करने के बाद यहाँ से लेंगे ब्रश टूल और ब्लैक कलर लीजिएगा और यहाँ से देख लीजिएगा कि हार्डनेस के 0 हो। अब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे एक ही कलर हो। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ से हमने एरो लिया, उसको थोड़ा सा इमेज को ऊपर रखते हैं, नहीं मेरे ख्याल से यहाँ तक कंट्रोल टी करें, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लें, इतना थोड़ा सा ऊपर लेके जाएँ, थोड़ा सा और बड़ा करें, इतना काफ़ी है। अब हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर में आएंगे, यहाँ से लेंगे कैमरा रॉ फिल्टर और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे हसबे जायका, ज़रूरी नहीं कि आप करें, फिलहाल मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से बेसिक पाया, बेसिक पाने के बाद इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया और टिंट थोड़ा सा पीछे करा, कंट्रास्ट थोड़ा सा आगे करा, ठीक है, और टेक्सचर थोड़ा बढ़ाया और थोड़ी सी वाइब्रेंस नहीं, शेडो थोड़ा सा आगे रखा आपने। अब हम आएंगे कलर मिक्सचर में और यहाँ पे आने के बाद आपने ग्रीन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसका ह्यू थोड़ा सा पीछे करना है, सेचुरेशन थोड़ा सा पीछे करना है और थोड़ा सा इसको भी पीछे कर लेना है। वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब हम प्रोडक्ट रखेंगे तो प्रोडक्ट दिखनी चाहिए, कलर इतने ऐसा ना हो कि कलर ज़्यादा दिख रहे हो और प्रोडक्ट ना दिख रहे हो, तो थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से पीछे कर लें, ठीक है जी। अब आप करेंगे ओके, ओके ये हमारे, ये हमें चाहिए था तो हमें ये मिल गया। अच्छा जी, इसके बाद इस लेयर को बंद कर दीजिएगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फाइल पाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से हमने ले लिया 5 नंबर, इसको ओपन कर लिया। अब इस पे ऑल्टर डबल क्लिक कर दें जो लॉक है, या फिर सिंगल क्लिक कर दें तो लॉक यहाँ से चला जाएगा, और रेक्टेंगल ले लें या फिर यहाँ से आप ले लें मैजिक वेंटूल क्लिक कीजिएगा ताकि वाइट कलर सेलेक्ट हो जाए, या फिर भी आप सिंपल ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इतना थोड़ा सा बड़ा कर लें। शिफ्ट F6 कीजिएगा, फेदर रेडियस 1 दीजिएगा, इंटर मारेगा और उसको करेंगे डिलीट, तो इतना एरिया गायब हो जाएगा, ठीक है जी। कंट्रोल डी करें, कंट्रोल आल्टर आई, इमेज साइज इसका 600 आ रहा है, हम इसको 200 कर देते हैं, ओके करें। इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाएंगे और उसको यहाँ लाके पेकेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी और उसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे और उसको रखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अच्छा, हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करा, यहाँ से लिया आपने कलर बैलेंस, और कलर बैलेंस लेने के बाद येलो को थोड़ा सा आगे कीजिएगा। अच्छा, इस पर क्लिक कर देगा ताकि सिंपल हमारी जो लकड़ी इस पर इफेक्ट हो, ग्रीन को थोड़ा सा आगे कीजिएगा और इसको थोड़ा सा रेडिश टाइप का कर देगा, हल्का सा येलो बढ़ा दें, ठीक है जी। अब फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे एक्सपोजर, इस पर क्लिक करेंगे, ये इसके इनसाइड चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाएंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा गामा करेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम करेंगे क्या, अल्टर बैकस्पेस करेंगे, कलर आपका ब्लैक सेलेक्ट हो यहाँ से तो इस पर मास्क आ जाएगा, ठीक है। अब हम वाइट कलर ऊपर लेंगे, यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, ठीक है, सॉफ्ट रखिएगा और उसका थोड़ा सा साइज़ कर लीजिए, ब्रैकेट से बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे ओपेसिटी पे आना है, इसको 50 कर देना है, ठीक है, और हल्के से यहाँ पे आपने थोड़ा सा साइज़ छोटा करें, हल्का सा आपने ऐसा फेरना है, ठीक है, साइडों पे, तो इस तरह का से इफेक्ट आएगा आपके पास, क्लियर हो गया। अच्छा, थोड़ी सी और ट्विकिंग करनी है, नीचे आया इस पर क्लिक करें, थोड़ा सा येलो को आप आगे करें और थोड़ा सा रेड को आप आगे करें ताकि येलोइश टाइप का कलर आए, ठीक है, और इसको एडजस्ट कर लें लाइक दिस, हाँ ठीक है, यहाँ तक
मुझे ये ठीक लग रहा है। ओके, इसको बंद कर दें, ऊपर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं, फाइल पे आते हैं ओपन, और फाइल पे आएगा ओपन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से ले लेंगे आप कैचअप की बोतल। इस कैचअप की बोतल को उठा के ड्रैग कीजिएगा यहाँ पे, कंट्रोल टी कीजिएगा, इसका साइज़ छोटा कीजिएगा अपने हाथों से। बट इससे पहले राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी, इसका साइज़ छोटा करा आपने, और इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट यहाँ, थोड़ा सा और टिल्ट, थोड़ा सा साइज़ छोटा, थोड़ा सा इसको यहाँ रख दिया आपने ऐसे करके। अच्छा, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके कलर बैलेंस करूँगा, और इसका रेड थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, बट पहले इस पर क्लिक कर देगा ताकि सिंपल कैचअप पे अप्लाई हो। येलो पीछे करा आपने, शेडो पे थोड़ा सा रेड बढ़ाया आपने, थोड़ा सा येलो देख लें, फिर आप हाईलाइट पाएंगे, हाईलाइट भी देख लें। ओके, दिस इज जामशेरी ना लगे इस तरह, और ये इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने करना है क्या, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लेना है आपने एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर लिया और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपल सिर्फ कैचअप की बोतल पे ही इफेक्ट होगा। और अब आपने करना है क्या है कि इस पर डबल क्लिक करें, और इस पर ऑल्टर क्लिक करके इसको अलगदा अलहदा कीजिएगा, थोड़ा सा सीधा हाथ पर रखिएगा, ठीक है, ऐसे, और कर देंगे ओके। अब इस वाइट पे क्लिक करके मास्क पे अल्टर बैकस्पेस करेंगे ताकि नॉर्मल हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे ब्रश टूल, ठीक है, और हल्का सा साइडों पे इसके फेरेंगे, वाइट वाइट ले लीजिएगा कलर यहाँ से, ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको रोशनी दे दी मैंने, ठीक है जी। अच्छा जी, थोड़ी सी इसकी जो शार्पनेस है थोड़ी सी कम कर दें, थोड़ा सा डल, ओके, इसको बंद कर दें। उसके बाद अब हम ब्रश टूल लेते हैं, ब्लैक कलर ऊपर रखते हैं और उसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक लेयर खोलें, एक क्लिक करें, अब कंट्रोल टी से शेडो, उसको शेडो देंगे हम, ठीक है, इसको नीचे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको डाल के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, कंट्रोल टी करा, उसको थोड़ा सा ऐसा कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, और इसको ये थोड़ा सा बड़ा करें, और इसको फिल थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है, हल्का सा शेडो देना है आपने, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, फाइल पे आते हैं ओपन, और यहाँ से लोगो उठा लिया, उसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब कैचअप की बोतल को इन सब को सेलेक्ट करेंगे, इसके शेडो को, इसके कलर को, और कंट्रोल जी करके इनको ग्रुप कर देंगे एक, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल टी से थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, कैचअप का लोगो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एम करेंगे टू कर्व्स को थोड़ा सा शार्प कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं शार्प कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया, इसको क्लोज कर दें, फाइल पे आते हैं ओपन, यहाँ सब ने उठा लिया, इसको ओपन करा और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आए, यहाँ रख देंगे, इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा कर लें पहले, ठीक है। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से दोबारा इसको छोटा कर लीजिएगा, इसको यहाँ रख दिया आपने, ठीक है, अब इसको शेडो देंगे, ठीक है, एक लेयर खोलें, क्लिक करें, कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ छोटा, इसको यहाँ रखेंगे, और इसको इसके नीचे, और दोनों को सेलेक्ट करके इसको ग्रुप से ऊपर कर लें, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये इसका शेड आ गया, क्लियर है, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, इसको यहाँ से बंद कर दें, फाइल पे आते हैं ओपन, यहाँ से लिया कैचअप, इसको उठा के यहाँ मूव करा, उसके बाद इसको राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको फिल्टर ब्लर और गाशन ब्लर देते हैं,
हम इसको कर देते हैं आठ, आठ कर दिया हमने इसको, ठीक है आठ कर दिया। उसको यहाँ रखा और उसको हल्का सा शेडो भी दे देंगे। एक लेयर खोलेंगे, क्लिक करेंगे कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ छोटा, इसको यहाँ रखेंगे और उसको इसके नीचे, ठीक है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज और फाइल ओपन, और यहाँ से पत्ता ले लेते हैं की वाला, इसको उठा के ड्रैग करेंगे इसको ऐसे, इसको उठा के इससे भी ऊपर रख लेंगे, ठीक है कंट्रोल टी इसको मूव करेंगे रख और इसको ऐसे। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा ग्रीन करते हैं हम, कंट्रोल बी दबाएंगे और इसको थोड़ा सा ग्रीनिश करेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा और इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसी पत्ते को कॉपी करके थोड़ा सा यहाँ ज़मीन की तरफ ऐसे बिछा देंगे, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट कर ली, राइट क्लिक कंट्रोल टी फ्लिप वर्टिकल, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर इसकी कॉपी करी, इसको छोटा करा, इसको घुमा दिया, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शेडो भी दे दें इन तीनों को। तो एक लेयर खोलते हैं, हल्का सा क्लिक करा कंट्रोल टी, इसका साइज़ छोटा करा, ठीक है। इसको अपने हिसाब से कंट्रोल टी, या एक काम करें इसको डिलीट करें, इस पर क्लिक करके डबल क्लिक, यहाँ से हल्का सा ड्रॉप शेडो दे दिया, ड्रॉप शेडो हल्का सा दिया और थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाया, ठीक है, और ओपेसिटी कम कर दी, ठीक है। थोड़ा सा उसको बाहर निकाल लीजिएगा खींच के ऐसे, देखें ओके करा, राइट क्लिक कॉपी लेयर स्टाइल, इन दोनों को सिलेक्ट करा शिफ्ट के साथ और राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है। थोड़ा सा शेडो आप चाहें तो कम कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो पाए और थोड़ा सा कम करा, इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया, और ये वाला है तो इस पर भी डबल क्लिक करा, इसका भी ड्रॉप शेडो थोड़ा सा कम करके ओके कर दिया। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब हम सबसे ऊपर आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं रेक्टेंगल पर, सिंगल इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ये ड्रॉ हो गया। और इसके अंदर का कलर हम वाइट दे देते हैं, ठीक है। जब आप इस पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद इसको लॉक यहाँ पर इसकी दबा हुआ हो बटन, ठीक है, इसको आपने कर दिया 25, 25 के बाद आपने इसका स्ट्रोक कर दिया ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन फाइन है, सही लग रहा है। थोड़ा सा डार्क करूँगा मैं इसको, मुझे लगता है थोड़ा सा डार्क की ज़रूरत है, तो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा शार्प कर दिया इसको मैंने यहाँ से, ओके फाइनली गुड। अच्छा जी, अब क्या करना है, इस पर क्लिक करके कंट्रोल टी करना है और इसके बीच में आके कंट्रोल दबा के रखना है, उसको थोड़ा सा यहाँ मूव करना है, ठीक है शिफ्ट के साथ कंट्रोल, और थोड़ा सा इसको ऐसे करना है और थोड़ा सा इसको पिचका देना है, ठीक है हो सकता है यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अच्छा जी, अब क्या करना है, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट करा और ऑल्टर दबा के इन दोनों के बीच में क्लिक करेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ऐसे, यहाँ से लेंगे क्लिक, इस पर क्लिक और यहाँ से सेम ग्रीन कलर ले लेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया ये, इसी को आप डुप्लीकेट कर लिया आपने, थोड़ा सा इसको यहाँ रखा, ठीक है, और ऐसे थोड़ा ऐसे, और इसको आपने दे दिया रेड कलर, यहाँ से रेड कलर दे देते हैं, सेम स्ट्रोक में भी दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो इसको हम यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा ऐसे ऐसे, इसको अंदर की साइड, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं हम $80 या व्हाटएवर, फोटा ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएं, इसको यहाँ से हटाएं, ठीक है, और कलर ब्लैक ले लीजिएगा इसको, ठीक है। और मैं इसको ले लेता हूँ कॉन्सेन बोल्ड, एक फॉन्ट है, या आपको आपको कोई भी फॉन्ट आपको लगे अच्छा वो आप ले लीजिएगा। इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा। अब इसी फॉन्ट की कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल जे से, या वट एवर किसी कंट्रोल जे से, या खाली ड्रैग करके भी इसको आप कर सकते हैं। आपने लिखा है पे फ्रेश, और इसका वाइट
टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लें इसको, ठीक है। इसमें यहाँ रखा, इसी की डुप्लीकेट करें, यहाँ रख दें और इस पर लिख दें TOMATO, फ्रेश टमाटो। और साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया आपने, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है। इसको आपने यहीं रखा, ठीक है। और इसको हमने कर दिया 100 ml, कुछ भी मतलब आप जो लिखना चाहें अपने हिसाब से, ठीक है। तो फॉन्ट साइज छोटा कर दें, ठीक है। इसको यहाँ रख दिया, और थोड़ा सा उसको छोटा करें और उसकी डुप्लीकेट और बना लिखें, विथ प्लास्टिक बोतल। ओके, फॉन्ट साइज छोटा कर दीजिएगा, इसका कर दिया आपने 24, ठीक है। इसको यहाँ रखा ऐसे ऐसे, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेंगे आप, कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा कर लें। अच्छा, ये गायब अगर हो जाए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, चाहे तो मेरे ख्याल से सही लग रहा है, मैंने स्ट्रोक बंद भी कर दिया। स्ट्रोक वैसे यहाँ से आ जाएगा, तो कभी ऐसा हो तो स्ट्रोक आपने क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक आ जाता है, नया है तो उसको हटा भी सकते हैं, हटा दें, ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। इसको बंद कर दें, अब हम इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे, सबसे टॉप पे आएंगे, फाइल ओपन, और यहाँ से मैं ये ले लूँगा। इसका इमेज पाके साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा आपको, ये 6,000 है, इसको 1500 कर दें। इसको उठा के यहाँ रखें और इसके ऊपर, ठीक है जी। अब क्या करना है, कंट्रोल टी करना है, शिफ्ट के साथ इसको घुमाना है ज़रा सा इस तरह, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर लें, और इसको आप कर देंगे स्क्रीन, ठीक है। इसको ऐसा रख दिया आपने, अच्छा। इसको थोड़ा सा मास्क दें, और यहाँ से आप ब्रश लेंगे, ठीक है, इसको इसके ऊपर से हटा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लोज़ कीजिएगा, नो कीजिए, फाइल ओपन, और कोई भी पत्ता ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो इसको उठा के यहाँ रखा ऐसे, कंट्रोल टी, इसको घुमाया ऐसे, कंट्रोल बी से इसको बैलेंस करना है, थोड़ा सा इसको शार्प करा, और इसको हल्का सा ब्लर देना है, फिल्टर ब्लर, गॉशन ब्लर, और इसको आपने अगेन 80 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, फाइनल आपने क्या करना है, सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर ई दबाना है, तो ये तमाम चीज़ें मर्ज हो जाएंगी। अब आप करेंगे कंट्रोल बी फॉर कलर बैलेंस, ठीक है, और इसको बंद कर दें, यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन आगे बढ़ाएंगे और रेड थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हसबे जायका, ठीक है। हाईलाइट्स पर आएँ, थोड़ा सा रेड आगे बढ़ाएँ, ओके करें, फिर यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से लेंगे आप सेलेक्टिव कलर, यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन आगे देखिएगा, ग्रीन पे शेड होना चाहिए, ओके, आई लाइक दिस वन, और थोड़ा सा इसको शार्प कर दिया, ठीक है, और गुड। अब थोड़ा सा राइट पे आप आएंगे, हल्का सा बढ़ाएगा, ओके, और क्लोज। तो जनाब, ये आपकी टमाटो केचप की एक पोस्ट तैयार है, ठीक है। इजीली इसको बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी तमाम फाइलें मैंने दी हुई हैं अपना डिस्क्रिप्शन में, तो आपको इजीली मिल जाएंगी, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी को और कोई पूछना हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं या मैसेज या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।